जय हिंद वन एंड ऑल। द टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक टुडे इज द मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है हमारे फिजिक्स के डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में। इवन जब हम थ्योरी भी स्टडी करेंगे तो मैथमेटिकल टूल्स का काफी इस्तेमाल होगा। तो आज मैथमेटिकल टूल्स का फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, टाइम बीत रहा है, ओके, वन सेकेंड, टू सेकेंड, थ्री सेकेंड, फोर सेकेंड, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं टाइम आपका बीत रहा है। इस टाइम के बीतते हुए अगर मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, यहां से मैं यहां आ गया, सपोज करते हैं मैं वहां खड़ा था, वहां से यहां आ गया, इन दैट केस मेरी पोजीशन चेंज हुई किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। दैट मींस आई एम स्टडिंग द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, जो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है। ओके, दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल अप्रोच समझते हैं कैसे होगा। सपोज हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास एट नाइन्थ में किया है। यहाँ पे x भी अननोन है, y भी अननोन है, दैट मींस इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एम आई क्लियर? इक्वेशन सिर्फ एक है तो क्या ये सॉल्व करना पॉसिबल है? इक्वेशन सिर्फ एक है और वेरिएबल्स दो है, क्या इसे सॉल्व करना पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। हमें एक और इक्वेशन लेना पड़ेगा, मान लेते हैं एक और इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x² + 2x + 5। अब दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, x और y दो वेरिएबल्स हैं। अब सॉल्व हो सकता है, क्वाइट क्लियर। बट यहां पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, हमें बस एक कंसेप्ट समझना है। अगर हम इस एग्जाम्पल की जगह सिंपली ये एग्जाम्पल लेते हैं, दैट y इज इक्वल टू 3x + 4, ठीक है? तो यहां पे अगर देखा जाए तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y को डिफाइन किया जा रहा है x के हेल्प से, इतना हम कह सकते हैं। दैट मींस y इज द फंक्शन ऑफ x। एम आई क्लियर? अब अगर x में कोई चेंज आता है तो y में भी चेंज आएगा, बिकॉज y इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड x इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। y क्या है? डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। दैट मींस x में चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा। एम आई क्लियर? नाउ मान लेते हैं x में चेंज आया, कितना चेंज आया? डेल्टा x। अगर x में चेंज आया तो y में भी चेंज आएगा, तो y की चेंज को हमने कहा डेल्टा y। x में चेंज आया x प्लस डेल्टा x, तो y में भी चेंज आया y प्लस डेल्टा y। हमने इसे इक्वेशन नंबर वन दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर टू दे दिया। ये जस्ट एक एग्जांपल था समझाने के लिए कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। सो y इज द डिपेंडेंट क्वालिटी, x इज द इंडिपेंडेंट क्वालिटी एंड y इज द फंक्शन ऑफ x। तो होपफुली फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्लियर है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, टू से वन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या इक्वेशन आया? y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। तो यहां पे y y कट जाएगा, कटेगा, बचेगा क्या? डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। बस ये न्यूमरेटर बचेगा हमारे पास, बचना चाहिए न्यूमरेटर। हमने क्या किया? डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल्टा x,
दोनों ही तरफ हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों ही तरफ हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ओके, डिवाइड करने के बाद यहां पे एक नया टर्म इस्तेमाल हुआ है लिमिट। एल आई एम का मतलब होता है लिमिट। लिमिट इज अगेन अ न्यू चैप्टर जो कि आप मैथ्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि लिमिट का मतलब है बेसिकली बाउंड्री। लिमिट का मतलब क्या है? बाउंड्री। हमने एक बाउंड्री फिक्स कर दी। किसकी बाउंड्री फिक्स की हमने? डेल्टा एक्स की बाउंड्री फिक्स की है। क्या है? डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये जो सिंबल है एरो, इस एरो को यहाँ पे टेंड्स टू कहा जाता है। दिस एरो इज नोन एज टेंड्स टू। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है? डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के बहुत करीब है बट जीरो नहीं है। डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के बहुत करीब है, दैट मीन्स वेरी नियर टू जीरो बट नॉट जीरो। डेल्टा एक्स इज वेरी नियर टू जीरो बट नॉट जीरो। जब आपका वैल्यू बहुत नियर होगा जीरो के, उस कंडीशन में लिमिट लगाने पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है वो डी वाई और डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो टर्म है ये डी वाई और डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा? डी और डेल्टा में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डेल्टा का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपका डिफरेंस अनइक्वल हो, डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट मीन्स सपोज आप 1 से 3 गए, 3 से 5 गए, 5 से 9 गए एंड 9 से 20 गए, तो 1 से 3 का गैप कितना हुआ? 1 से 3 का गैप हुआ 2, 3 से 5 2, 5 से 9 4 एंड 9 से 20 11 का गैप हुआ। तो गैप्स आर नॉट इक्वल, गैप्स आर नॉट इक्वल। लेकिन सोचिए अगर गैप्स इक्वल हो, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, गैप्स आर इक्वल। हर बार डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स जब डिफरेंस कंटिन्यूअस हो तो डी का इस्तेमाल करते हैं, और जब डिफरेंस आपका कंटिन्यूअस ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, तब डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू को जब जीरो के बहुत करीब कर दिया तो वैल्यू जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो गई। वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइटली स्मॉल हो गई। ऐसे कंडीशन में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब हमने ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी और इसको हमने कॉपी कर दिया। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस करने का। दिस इज द पूरा प्रोसेस। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू ऑफ द फॉर्मुलेस। वी हैव टू लर्न फ्यू ऑफ द फॉर्मुलेस। एक्चुअली यहां पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे फॉर्मुले को। फॉर्मुले को सॉल्व करना आपका मैथ्स में है, हम लोग सिर्फ फॉर्मुलेस को लर्न करेंगे। ओके, तो इतनी बात समझ में आई कि ये डेल्टा वाई से डी वाई कैसे हुआ? डेल्टा वाई से डी वाई का जो सफर है वो बात समझ में आया। होपफुली इस चीज को, इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखेंगे तो सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस इस बात में मत अटकिएगा कि लिमिट क्या होता है। यहां पर लोग लिमिट को सिर्फ एज अ बाउंड्री लेके चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है मैथ्स में जो कि आप क्लियरली पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको जितना इस्तेमाल है फिजिक्स में हम सिर्फ उतना ही कर रहे हैं। लिमिट मीन्स बाउंड्री, और डेल्टा एक्स को हम टेंड्स टू जीरो किए हैं। एरो का मतलब टेंड्स टू होता है, जिसका मतलब क्या होता है? द वैल्यू इज वेरी नियर टू जीरो बट नॉट जीरो। ऐसे कंडीशन में आपका ये पार्ट जो डेल्टा पार्ट जो है वो डी वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डी इज कॉन्टिन्यूअस, डेल्टा इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉन यूनिफॉर्म। डी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिफरेंस। एम आई क्लियर? थैंक यू।